हेलो फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है रुड़की हब में। तो जैसे भी कहा जाता है, रुड़की एक नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई पूल्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने रुड़की में खुल रही हैं। और रुड़की वालों के लिए तो टाइम टू टाइम एक गुड न्यूज़ बनती है कि भाई रुड़की में जब देखो तब कुछ ना कुछ खुल ही जाता है, शोरूम हो, एजेंसीज हो, रेस्टोरेंट हो। तो जैसे हम सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो चलिए आज हम मौजूद हैं 18 डाउनटाउन के, फिलहाल मैं मेन गेट से भी बाहर मौजूद हूँ कि ताकि आपको बाहर जाकर एक सरप्राइजली, अंदर जाकर एक सरप्राइजिंगली चीज़ें मिले देखने को। तो आज 18 डाउनटाउन को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो भाई 18 डाउनटाउन जो है, कितने डाउन्स हैं, कितने टाउन्स हैं, कितना सम करके 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 18 डाउनटाउन को चलिए अंदर चल के इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 18 डाउनटाउन के अंदर फ़िलहाल मैं इस वक्त आ चुकी हूँ, और फिलहाल हम अभी कैमरा अपना उस साइड नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग देख के ही समझ जाते हैं। तो 18 डाउनटाउन को सम करने के लिए इज इक्वल टू 18 है या नहीं है, तो हम शुरू हो चुके हैं। तो पूल, रिजोर्ट, रेस्टोरेंट आपने सभी देखे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा तो बहुत देखा है कि मूवी देखते देखते हम रेस्टोरेंट मिल जाता है, लेकिन नहाते नहाते भी आपको रेस्टोरेंट का मज़ा मिल जाएगा। और काफ़ी सारी जो चीज़ें इंक्लूडिंग हैं वो हम आपको अंदर जाकर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं 18 डाउनटाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, सम करने के लिए। जैसा मैंने बताया है तो जो ओनर है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुड़की में, और बहुत बहुत बधाई आपको लोगों को ये गुड न्यूज़ एज अ गिफ्ट देने के लिए। अच्छा लगा, कैसा लग रहा है अब तक का, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? एक्सपीरियंस तो अभी शुरू ही हुआ है। अभी लोगों के रिव्यूज़ क्या क्या मिले देखते ही? लोगों के फीडबैक बहुत अच्छा है फिलहाल। अभी पूरी रुड़की की बात करूं तो रुड़की के आसपास भी ऐसी कोई अभी आउटलेट, कोई प्रॉपर्टी अभी ऐसी नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं पूछ लेती हूँ, नाम के पीछे का क्या लॉजिक है? 18 डाउनटाउन, मैथ्स, इंग्लिश सब मिक्स कर दिया आपने। इसका लॉजिक थोड़ा सा ये है, 18 तो इस नाचीज़ की डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। और डाउनटाउन ये है, ये टाउन से थोड़ा सा डाउन में है। अगर अच्छा। आप इसका थोड़ा सा जियोग्राफिकली देखेंगे तो टाउन से डाउन में आपको महसूस होगा ये। तो 18 अपना और टाउन को थोड़ा सा इंक्लूड करते हुए इसको 18 डाउनटाउन का नाम दिया गया। काफ़ी लॉजिकल नेम दिया गया है और डिप्लोमेटिक आंसर दिया है इन्होंने। तो मैंने जैसे बोला कि हम अंदर से देखेंगे कि कितने डाउन्स हैं, कितने टाउन्स हैं, सम करके 18 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बन जाएगा सबका सम 18? बिल्कुल बनेगा। अच्छा चलिए, तो बताइए स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे? स्पेशलिटी यहाँ तो सबसे पहले तो यहाँ का एम्बियंस है। इस प्रॉपर्टी का एक ये कम्प्लीटली फैमिली पैकेज है जी। इस प्रॉपर्टी में अगर कोई फैमिली भी आएगी तो उसमें बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, इवन बड़ों के बड़े भी आ सकते हैं। अच्छा। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। आप स्विमिंग पूल एंजॉय कर सकते हैं, किड्स के लिए अलग से स्विमिंग पूल प्रोवाइडेड है। और ये यंगस्टर्स और एजेड लोगों के लिए है ये? बिल्कुल। अच्छा। एजेड भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। किसी तरह की कोई भी परेशानी या नहीं होगी। इवन अगर एजेड एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो उनके बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और एजेड के लिए साइड में लॉन की स्पेस दी गई है। अच्छा। तो वो वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दिमाग काफ़ी चलाया आपने, गर्मी आने वाली और आपने सोचा बस दिखा देते हैं लोगों को जादू। तो नहाने के बाद लोग टूट पड़ते हैं खाने पर, तो खाने का भी जैसे रेस्टोरेंट मेंशन किया है, प्रॉपर रेस्टोरेंट अंदर प्रॉपर पूरा फाइन डाइन कैफे सब पूरा फुल मेन्यू अवेलेबल है। अच्छा। मॉकटेल्स भी अवेलेबल है, साइड बाय साइड मॉकटेल भी अवेलेबल है। ठीक है। तो खाने में क्या स्पेशलिटी है आपके यहाँ पे? खाने में शेफ जो हैं मेरे, हमारे यहाँ पर आप तंदूर के जो आइटम्स देखेंगे जी, वो प्रॉपरली आपको पूरी रुड़की में सबसे डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है। टेस्ट के मामले की बात कर रहा हूँ, नाम तो कोई भी कुछ भी दे देता है, बिल्कुल चीज़ वही सेम मिलती है सब जगह, लेकिन जो टेस्ट होगा वो आप लोग भी अगर देखेंगे तो यहाँ सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट मिलेगा। ठीक है। तो अभी जैसे जैसे आपने नया ये शुरू हुआ है, तो फिलहाल लोगों के लिए क्या यहाँ पर छूट है, क्या यहाँ पर डिस्काउंट है लोगों के लिए, या अपने चार्जेस वही हाई हैं, या ऐसा कुछ क्या है? कुछ हाई चार्जेस नहीं मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर जो आप अगर मेन्यू भी देखेंगे, आप मेन्यू के कुछ शॉट्स भी ले लीजिएगा चाहे, आपको बहुत मिनिमल चार्जेस मिलेंगे। आप रुड़की में किसी भी प्रॉपर्टी में जाइएगा, वो चार्जेस और इन चार्जेस में आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि क्यों आए? सबसे पहले तो नाम देख कर ही अच्छा लगेगी कि डाउन टाउन, यार 18 डाउन टाउन जाके देख लेते हैं 18 डाउन टाउन में क्या है ऐसा। सुमित जी ने क्या किया है यहाँ? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे। अच्छा। नाम
भले ही थोड़ा बड़ा हो, दर्शन उससे भी बड़े मिलेंगे। अच्छा, और हॉस्पिटैलिटी मजा आने वाला है खूब लोगों को गर्मियों में। एवन मजा आने वाला है, ठीक है। गर्मियों के साथ साथ हम सर्दियों में भी मजा देंगे। ओहो, अच्छा, सर्दियों में गर्म पानी में नहलाएंगे। बिल्कुल गर्म पानी। अच्छा, एक चीज और है, ये जैसे आपने ऐसे नहीं किया कि पूल बना दिया है, रेस्टोरेंट बना दिया है, इन्होंने सब चीज माइंड में रखी थी, इसलिए इन्होंने पूल गेम्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं जो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका इसके पीछे का क्या आइडिया था, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया कहीं से नहीं, ये मतलब ऐसा कोई कहीं से ग्रास्प नहीं किया ये आइडिया। ये जगह जगह विजिट करके, कुछ जगह गया हूँ, किसी आउटलेट में पूल टेबल अच्छी लगी, किसी आउटलेट में स्विमिंग पूल अच्छा लगा, तो सबको एक अपना जो मेरा टूरिज्म का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर कम्प्लीटली मर्ज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा, एक वीआईपी वाली जो वाइब्स है वो यहाँ पर आएगी कि भाई नहाने के आके बाद हम गेम खेलेंगे और उसके बाद खाएंगे। यहाँ अभी चेस, टेबल टेनिस, चेस और अच्छा। कैरम भी एड ऑन करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो सारे गेम्स यहाँ पर मिलेंगे, इंडोर गेम्स की पूरी प्रॉपर। और मेंबरशिप का क्या हिसाब है? या मेंबरशिप आपकी जो हमने रखी है वो स्विमिंग पूल के लिए रखी है फिलहाल। इसमें आपका 28 आवर्स के लिए 3499 में है। ठीक है, और 5999 में 84 आवर्स के लिए है, और पूरे सीजन का पास इसके बाद रखा गया है 21,000 में। ठीक है, और फैमिली पैकेज? तो इसमें फैमिली पैकेज भी है, अगर फैमिली पैकेज लेंगे, फैमिली पैकेज में हमने फैमिली में 3 मेंबर कंसीडर किए हैं, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड। ठीक है, उनका 7,000 मेंबरशिप है। ठीक है, 28 आवर्स की। ठीक है जी, तो आप मुझे ये बताइए कि एड्रेस क्या है, क्योंकि ये रुड़की से आते आते तो बाहर आसफ नगर के पास पड़ जाता है, तो रुड़की के लोगों को छोड़कर और भी जो इससे आगे जो लोग मिलेंगे काफी मजा आने वाला, उधर से आते भी देखेंगे ये क्या है तो डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, ये लेफ्ट गंगा कैनाल जो रुड़की से मंगलौर गई है, इसको कावड़ पटरी भी बोलते हैं, कावड़ मार्ग। रुड़की गंग नहर पुल से मंगलौर जब जाते हैं तो निशु ग्रीन सोसाइटी पड़ती है, उसको क्रॉस करने के बाद ठीक है ऑन रोड ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। लोगो साइन बोर्ड इस हिसाब से प्लेस किए गए हैं, आपको काफी दूर से विजिबल होंगे। ठीक है, तो सुमित जी की कृपा से जो लोगों की गर्मी है थोड़ा अंदर चलते हैं, वो काफी मजे में जाने वाली है। थोड़ा अंदर आकर अब आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं, तो और कुछ टेरेस है, आपने सब यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे कि, और सब मेंटेन भी काफी अच्छे से किया हुआ है कि पूल के एकदम साइड में आपने ये दिया हुआ है, सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया है आपने इसको। यहाँ सबसे यूनिक चीज जो आई है, फर्स्ट टाइम पूरे हरिद्वार की बात करूंगा, कंटेनर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये कंटेनर कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं अपने आर्किटेक्ट महोदय, स्काईलाइन स्टूडियोज आर्किटेक्ट मयंक गुप्ता और आर्किटेक्ट स्वाति वर्मा, दोनों को धन्यवाद कहूँगा। उन्हीं का कॉन्सेप्ट है ये, कुछ आइडियाज अपने भी हैं, ज़्यादा उनके हैं, इम्प्लीमेंट उनके थ्रू हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं। या सुमित जी, और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि स्पेशल उड़की वालों के लिए है, सभी के लिए होगा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गर्मियों में मजे करें खूब बेटिन डाउनटाउन में आकर? बिल्कुल, आप लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जैसे अभी भी क्या सेवा का मौका चाहिए, आपने दूध दे दिया है लोगों को, लोग कहेंगे कि आप हमें दे एक बार, तो आए एंजॉय करें प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो भाई जैसे सुमित जी ने कहा है कि वो एक बार सेवा का मौका मांगना चाहते हैं, सभी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब एक एक करके वन बाय वन हम आपको पूरा जो एरिया है ये कवर करके बता देते हैं, बाकी जो मेन चीज़ें रहती हैं वो हमने दिखा दी हैं। तो जैसे मैंने बोला कि गर्मियाँ काफ़ी मज़े में जाने वाली हैं इस बार सभी की, तो एक बार इडेन डाउन टाउन में ज़रूर विज़िट करें। फिलहाल की वीडियो में और जितना हम लोगों ने बातचीत करी आपको बताया, तो पूल काफ़ी बहुत दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा, हम पास जाकर आपको दर्शन करा देते हैं और उसके बारे में सब बता देते हैं, हाइट कितनी है और चीज़ें क्या है, जैसे बच्चों के लिए भी अलग जो पूल है वो मेंटेन किया गया है। तो अब ज़रा पूल की तरफ चलते हैं आपको करीब से दर्शन कराने के लिए। तो पूल के एकदम करीब हम इस वक्त खड़े हैं, तो एक बार ज़रा अपने कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार अच्छे से पूल के दर्शन कराए जाएँ। अभी तो काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहा है और हम विश करते हैं कि आगे भी ऐसे क्लीन रहे। बिल्कुल मैम, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है और देख रहे होंगे कि आप बच्चे तो फिलहाल मज़े भी कर रहे हैं पूल में नहाते वक्त, क्योंकि इतनी सर्दियों का मौसम रहा नहीं है, तो काफ़ी गर्मी भी अभी ठीक ठाक एवरेज मौसम चल रहा है, और उसके बाद यहाँ भी जो इतना अच्छा व्यू दिया हुआ है, और कहते हैं कि शाम को बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि सूरज की गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो ज़रा पूल के बारे में बताइए हमें सुमित जी, पूल में क्या क्या ऐड ऑन किया है आपने? ये स्विमिंग पूल बेसिकली, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये प्रॉपर्टी अपने आप में, मैंने पहले भी बताया है, रुड़की में अपने आप में सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सिविलियंस के लिए चुनिंदा इक्का दुक्का ही पूल है यहाँ पर।
उन पूल्स में भी सबसे बिगेस्ट पूल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। इसकी जो लेंथ है वो 72 फीट है, ठीक है, और जो विड्थ है वो 36 फीट है। इसकी जो शैलो एंड है वो 4 फीट 3 इंचेस है, और जो डीपेस्ट एंड है वो 6 फीट 3 इंचेस है, ठीक है। इसके साइड बाय साइड एक किड स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, उसकी जो डेप्थ रहेगी वो 2 फीट 3 इंचेस रहेगी, ठीक है, वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। इसके अलावा हम साइड बाय साइड यहाँ पर लॉन भी है, इसमें नहाएं और बैठें, आराम करें, बैठें, खाएं, पिएं, मॉकटेल काउंटर से अपनी ड्रिंक्स लें, हाँ। उसके बाद दोबारा नहाएं जब तक मन करे तब तक नहाएं। तो पूल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेंथ हाइट सब देखकर ऐसा ही लग रहा है कि जब तक मन करे आप तब तक नहा सकते हैं। तो हमने आपको पूरे दर्शन फिलहाल करा दिए हैं, मेन टेरेस भी ऊपर है, उसके पीछे भी लॉन दिया गया है। इधर फाइन डाइन का कॉन्सेप्ट है, एक हमारा हॉल है, इसको पूरा हमने ग्लास हाउस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें शाम में बैठने का अपना अलग ही मजा है, ठीक है। तो हमारे जो कैमरामैन है वो आपको पूरा जो साइड व्यू है, जो मिड व्यू है, जो सारा जो व्यू है वो आपको कवर करके दिखा देंगे। जो फाइनली चीज़ें हैं वो हमने आपको दिखा दी है, और मैं फिर से कहूँगी कि एक बार 18 डाउन टाउन आप ज़रूर आएँ, देखें कि क्या गर्मियों में मज़े आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं।